नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का अभिवादन करती हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों के बीच बहुत सारी स्टेट्स में राजनीति गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी जबरदस्त गर्माहट महसूस की जा रही है। अब भले ही हाजीपुर से सांसद पारस ये कहते हैं मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है, लेकिन LJP यानी कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। बहुत ज़्यादा उसमें टूट फूट हुई है। 5 सांसदों पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है तथा चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है और LJP में चिराग समेत कुल 6 ही सांसद थे। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगी। LJP में टूट की बड़ी वजह चिराग से उनके अपनों की नाराजगी रही है। इसका फायदा दूसरों ने उठाया और JDU के 3 कद्दावर नेताओं ने LJP को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनमें सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का नाम शामिल है। तीसरे का नाम आना भी बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि तीनों नेता दिल्ली में मौजूद हैं और LJP के सभी सांसदों पर नजर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं चिराग की जो अपनों की नाराजगी है उस पर। चिराग को सबसे ज्यादा भरोसा अपने चचेरे भाई और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पे था, लेकिन प्रिंस राज उस वक्त से नाराज चल रहे थे जब से उनके प्रदेश अध्यक्ष पद में बंटवारा कर दिया गया था और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया गया था। चिराग के चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस तब से नाराज चल रहे हैं जब से चिराग ने JDU में बगावत की थी और पशुपति पारस पिछली बार बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री थे। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे, लेकिन चिराग ने नीतीश कुमार से बगावत कर उनके और पारस के रिश्ते खराब कर दिए। विधानसभा चुनाव के समय भी पारस ने चिराग को बार बार समझाया कि ये कदम जोखिम भरा होगा, लेकिन चिराग माने नहीं। ऐसे में पारस मन में खींच लेकर के सब कुछ देखते रहे और जब वक्त आया तो चिराग को उन्होंने छोड़ दिया। चिराग के एक तरफा फैसले लेने से भी बहुत सारे लोग नाराज थे उन्हीं की पार्टी में। चिराग पासवान का एक तरफा फैसला लेना उनकी पार्टी के लिए नासूर बन गया था। चिराग पार्टी के नेताओं से सलाह लिए बिना ही एक तरफा फैसला लेते रहे और चिराग के सबसे करीबी रहे सौरभ पांडे से पूरी पार्टी के नेता नाराज चल रहे थे, क्योंकि चिराग वही फैसले ले रहे थे जिनमें सौरभ की सहमति होती थी। इस वजह से LJP के ज्यादातर बड़े कद्दावर नेता उनसे नाराज चल रहे थे। और अब बात करते हैं सूरजभान के छोटे भाई चंदन ने जो अपनी नाराजगी व्यक्त की बगावत के रूप में। दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे करीबी रहे सूरजभान सिंह ने अपनी कोशिशों से विधानसभा चुनाव में पार्टी को टूटने से बचाया, लेकिन चिराग के लगातार एक तरफा फैसले लेने से सूरजभान भी काफी नाराज थे। ऐसे में सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं उन्होंने भी बगावत कर दी। दूसरी तरफ लोजपा सांसद महबूब अली कैसर भी पार्टी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते थे। वे महज लोजपा के सांसद ही रह गए थे, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में उनका शामिल नहीं होना ये एक तरह से उनकी बगावत का ही एक मोड़ था। वहीं वैशाली से सांसद वीना सिंह रामविलास पासवान की करीबी रही थी, लेकिन चिराग ने उन्हें भी कभी तवज्जो नहीं दी, कभी तरजीह नहीं दी। ऐसे में वीना का भी अलग हो जाना लाजमी था और LJP को तोड़ने में JDU के 3 कद्दावर नेता चुपचाप से गुपचुप तरीके से लगे हुए थे। इनमें सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह रामविलास पासवान के रिश्तेदार और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और ऐसे एक नेता ने अहम भूमिका निभाई। LJP की कमजोर कड़ी को वो जानते थे। उनका नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन किसी भी वक्त रामविलास पासवान के सबसे करीबी वो रहे थे।
अभी वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं। इस पूरे मिशन को वो लीड कर रहे थे और वो थे सांसद लल्लन सिंह। लल्लन ने पहले पशुपति पारस को अपने पक्ष में किया और फिर सूरजमान के साथ मिल करके उनको भी पक्ष में कर लिया। इसके बाद महेश्वर हजारी ने महबूब अली कैसर को तोड़ा और फिर प्रिंस राज और वीना सिंह को भी चिराग का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन सारे कयासों से इतर एक और चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि चाचा भतीजे ने मिल करके ये पूरा गेम जो है सेट किया हुआ है, पूरा वो खेल कर रहे हैं। इसे लोक जनशक्ति पार्टी में दोहरा लाभ मिलेगा, कह सकते हैं कि मिलने वाला है। पहला ये कि बिहार में नाराज जेडीयू का गुस्सा कम होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ेगी। दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू और नीतीश कुमार की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ऐसा होने के बाद चिराग पासवान भी अपने चाचा के उनकी लीडरशिप को वो स्वीकार कर लेंगे और पार्टी में ही बने रहेंगे। इसके बाद पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को 2025 में बतौर मुख्यमंत्री लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक संभावना सी व्यक्त की जा रही है। राजनीति में हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन संभावनाएं इसी तरीके की लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत तेजी से उथल पुथल के बीच से गुजर रही हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि देश और स्टेट में क्या हो रहा है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको किसी और नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।